दिल्ली दौरे से लौटे सीएम नीतीश की पीएम उम्मीदवारी को लेकर बिहार में इन दिनों चर्चा जोरों पर है। इसको लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पहले आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया, नीतीश के पीएम उम्मीदवारी का दावा किया गया और अब जेडीयू के कार्यकर्ता भी ये दावा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश ही पीएम फेस होंगे। जेडीयू ऑफिस में पोस्टर लगाने वाली आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा पूनम राय का कहना है कि हमने अपनी मन की अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचाई है। वैसे बिहार के तमाम लोगों की चाहत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। पूनम राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम लाल ने। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय के सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 का प्रधानमंत्री दिखाया गया है। साफ साफ कुर्सी पे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान है, साथ में ऊपर में भी लिखा हुआ है कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, पोस्टर में जो है पूरे तमाम विपक्षी दल के नेताओं को दिखाया गया है, जिसमें राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता इस पोस्टर में साफ साफ दिख रहे हैं। यह पोस्टर जो है राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव हैं जो हैं पूनम राय, इनके द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है। आपके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाह रही हैं पोस्टर के माध्यम से? जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम सलाम कर रही हूँ। और इस पोस्टर के में जो है सो तो हम उसमें दर्शाए हैं। और बात है कि जो आजकल चल रहा है, और रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो वो हम लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम लोग लगातार मेरा तो 2-3 पोस्टर हम लगाए, लेकिन उसमें कोई पार्टी का अति नहीं है। हमारा अपना अपना व्यक्तिगत है कि हम लोग देखना चाहते हैं, सभी पूरा देश बस ही देखना चाहते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने। कल भी एक पोस्टर लगाया गया था राजद के तरफ से, राजद के मुख्य द्वार पे लगाया गया था, उसे हटा लिया गया। जी, वो तो फोन भी आया था मेरे पास, लेकिन कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, कहीं वो पोस्टर समझ में नहीं आया। पोस्टर से आपत्ति हो रही थी किसी को जब राजद के प्रदेश कार्यालय में लगी हुई थी, वही पोस्टर आप जदयू में लगवाए हैं? जी, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं अगर समझ नहीं आया हो, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ नहीं आई, तो सब आदमी एक ही हैं, लेकिन सब हमारे नेता तेजस्वी भी चाहते हैं। आयो भी बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी जी का जैसे मुख्यमंत्री बनने का नहीं, हमारे नेता का ये बात नहीं है। हमारे नेता तो बोले भी थे भाषण में कि नहीं, हमें कोई हबर ही नहीं है, जो अच्छा चाहेंगे वो होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार अपना बयान दे रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। देखिए, तो अब मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री थोड़े कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा जनता के च्वाइस है, शौक है कि नहीं पढ़ा लिखा शिक्षित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। और मेरा भोजपुरी में जो कहावत आप गांव मोहल्ला में सुनते हैं कि दुल्हा अपना से नहीं कहेंगे कि हमारा शादी पापा कर दीजिए, भैया कर दीजिए, तो वो सब अपने फील्ड में क्या बोलेंगे? अपने जनता से थोड़े बोलेंगे, जनता ना सब कुछ है, जनता ही तो नेता को बनाती है ना। तो वही हम लोग चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? जी, अगर सब लोग मिलजुल कर, सब विपक्ष एकजुट हो जाएंगे, जैसे बात चल रही है, तो एकजुट हो जाएंगे तो ये संभव है जी कि 24 में नीतीश कुमार हमारे। आपका दिखा रहा है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? जी हाँ, अब की 24 में हसीनापुर पर चढ़ाई है। आपके पोस्टर में बेटी कात्यायनी का भी जिक्र है। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस बेटी के भी बेटी को भाग्यशाली मानते हैं। जी जी हाँ, बहुत भाग्यशाली है। और ये समय एक और बार भी आया था जबकि मीसा दीदी जन्म ली थी, उस समय भी
यही बात उठा, वही बात दोहरी आया है। तो अब की भी कात्यायनी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और अब की नीतीश कुमार हैं जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये थी हमारे साथ पूनम राय, जिनका साफ साफ कहना था कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। और यहाँ उन्होंने कहा कि जिस तरह मीसा भारती का जन्म हुआ था, उसके बाद लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की किस्मत पलटी थी, ठीक उसी तरह बेटी कात्यायनी के बाद भी यहाँ कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।